अच्छा तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अपना आज का ये व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। इस वक्त तकरीबन टाइम मैं आपको दिखा दूं, तकरीबन 4:15 हो रहे हैं शाम के, और उठ तो हम गए थे तकरीबन 12:00 बजे, और फिर उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ते में आज हलवा पूरी खाई, वीडियो नहीं बना सके, बहुत नींदों में थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी व्लॉग बनाने की उस वक्त। उसके बाद फिर अपने कुछ काम थे वो निपटाए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी असर की नमाज भी हो गई है। अब अपना आज का ये व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए, दिल करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जाएंगे बाहर, आज इतवार का दिन है, कुछ काम है, कहीं कहीं जाना है, दुकान की तरफ भी जाना है, तो आज इन सब जगह जाएंगे, फिर उसके बाद आके आपसे बात करते हैं। जब तक आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस देखते रहें देखते रहें देखते रहें देखते रहें, और बस तुम लोग देखते रहो। कल रात में भी काफ़ी लेट हो गए थे, और आज भी सुबह उठे तो काम थे वो निपटाए, तो अब यहीं से अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो आइए जी अपने स्टाइल में वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। ठीक है जी, फिर बाद में बात होती है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त घर पर ही मौजूद हैं, और बाहर गए थे, आपको बताया था काम से दुकान की तरफ कुछ काम थे, तो सारे काम कर लिए। मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली, इस वक्त घर में मौजूद हैं, और तकरीबन 6:30 का टाइम हो रहा है। तो बस आप लोग आगे बताएंगे, आगे जो भी सिचुएशन होती है, जो भी काम होते हैं, जो भी मामला होते हैं, सब बताते रहेंगे आपको। अभी जाना है पीको का सामान लेने, पीको के लिए कल दुपट्टे दिए थे, तो वो लेने जाना है, वो लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ शायद टेलर के पास जाना हो, कुछ सामान दें रहेगा टेलर को तो वो दें, और इसके अलावा और कोई ऐसी मसलों के अभी, हाँ रात में एक जगह और जाना है काम से, फिर वही हॉस्पिटल भी जाना है। तो बहरहाल ये एक है, दुआ करें अल्लाह ताला सब काम में आफियत फरमाए, और जल्दी से अगर करना चाहें चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दें, बाकी बातें बाद में होती हैं। और यार अभी तक मैंने ना व्लॉग भी अब एडिट नहीं किया कल वाला, तो अब मैं कल वाला व्लॉग एडिट कर लेता हूँ, वो अपलोड कर दूँ, उसके बाद अब बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आए हैं जी नानी के घर, और अभी यहाँ पहुँच गए हैं, इस वक्त नानी के घर पहुँचे हैं, नानी के घर पर हैं। अब आगे क्या होता है देखते हैं, क्योंकि नमाज के बाद फिर हम चले गए थे, कोई कपड़े ने जो नहीं मिले थे, फिर हम आ गए थे, फिर अम्मी को ले कर, अब हम फिर हमने बिरयानी ली, बिरयानी खाई, और अब नानी के घर पर इस वक्त आए नानी के घर, यहाँ से फ्री होके जब जाएंगे तब आपको बता देंगे जी। इस वक्त मैं नानी के घर पे आया हूँ, और अब यहाँ से जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो अचानक फ़ोन आ गया हॉस्पिटल से, तो अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर बाकी बात आगे होगी जी। इस वक्त हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, इस वक्त अभी डॉक्टर से मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है, अर्जेंट थोड़ा आए बुलाया था, हॉस्पिटल पहुंच गए। तो जी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं, अब हॉस्पिटल में मौजूद हैं, अभी डॉक्टर से बात होती है, बताते हैं आपको। हॉस्पिटल तो हम पहुँच गए, बाकी बताते हैं आपको। अच्छा तो जी इस वक्त हैदरी पर मौजूद हैं, सैमरोज हॉस्पिटल से निकल गए थे, वहाँ ज़रा डॉक्टर से बात हो गई थी, तो दूसरी जगह आए थे पूछने के लिए, तो अभी ये जूस पी रहे हैं, रोड पर है, शायद आवाज़ सही नहीं आ रही हो, गन्ने का जूस पी रहे हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी तकरीबन 9-10 बजे का टाइम हो रहा है, बाकी बातें बताएंगे, अब देखते रहें। तो जी इस वक्त हॉस्पिटल से फ्री, अच्छा तो जी इस वक्त हॉस्पिटल से फ्री हो गए, अब घर जाएंगे, और तकरीबन रात के 11:15 हो रहे हैं, उसके बाद घर जाके करेंगे। इस वक्त हॉस्पिटल से अब घर आ गए हैं, जब निकल रहे थे अब आपको बता दिया था क्या हुआ, कैसे हुआ था, टाइम क्यों लगा, क्या मामला थे, वो मौका मिला तो बताएंगे। इस वक्त नानी घर पर ही, अब अपने घर जाएंगे, फिर जो भी होता है देखते हैं बताते हैं, आप लोग देखते रहे दुपहर पाक पढ़ने। तो जी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए, और हाल से बेहाल हाल हो रहा है, और पिता की शाही नमाज़ भी नहीं पढ़ी आज, तकरीबन
रात को 1:30-2 बज रहे हैं, ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी और तबीयत मेरी अपनी काफ़ी ख़राब हो गई है मौसम की वजह से, क्योंकि बाइक पे बहुत सफ़र रहा है, बहुत ज़्यादा नज़ला, बहुत शदीद बुखार, बहुत तेज़ सर में दर्द। बस दुआ कर रहा था मेरी अपनी तबीयत सही कर था कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ दे सकूँ, कि भाई ये ब्लॉगिंग करना आसान काम नहीं है तबीयत में, और वैसे भी जब तबीयत ख़राब हुई तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हुआ ये था, आज हॉस्पिटल गए थे, फिर वहाँ डॉक्टर ने बताया तबीयत सही नहीं है, काफ़ी तक सही नहीं हो पाई, 6 दिन हो गए थे, फिर मैं डॉक्टर से समरी ली, फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में हमने चेक वगैरह कराई। बहरहाल दुआ करें ताला तबीयत सही करे बच्चे की भी, और मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि मैं इस वक्त बहुत बीमार हो गया हूँ, देख सकता है मेरी हालत, सूर सूर माशाल्लाह मेरी चल रही है, सांस की चली, नाक बिल्कुल शदीद बंद हो गई है, ना सांस सही लिया जा रहा है, नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, और खांसी, सर में दर्द, बुखार बहुत शदीद है। तो इसमें अपना आज का ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में मुलाकात होगी, अब तक दुआ करें डाला मेरी तबीयत सही करें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भाई और बहनों और जो भी देखो भाइयों बच्चों बहनों जो भी मेरे हुलिए पर मत जाना कि इस वक्त तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि कुर्ता शुर्ता पहन के टोपी वोपी लगा के करी मेरी तैयार शायर होगी आपसे बात करी जाए, जैसा भी हूँ ऐसा ही हूँ। पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तो दे पाक पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।